क्वालिटी इसमें मिल जाता है, यानी कि आप इसको कैसे भी यूज़ करो आपको ज़रा सा भी कुछ आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे टूट गया इस टाइप का आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं होगा। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ Realme Buds Wireless 2 Neo का। तो आज के वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ साथ आपको इसका सारा डिटेल आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि हमने इसको कहाँ से परचेस किया, कितने प्राइस में परचेस किया, इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हे गाइज, मेरा नाम है अनीस एंड यू आर वॉचिंग सोलंकी जी टेक्निकल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, इससे मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको Realme Buds Wireless 2 Neo का पैकिंग कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे देता है। पैकिंग काफ़ी शानदार होकर आया है। सबसे ऊपर में आपको Realme Buds Wireless 2 Neo का आपको लिखा हुआ ब्रांडिंग मिल जाता है। बैक साइड की बात करें तो आप बैक साइड में इसका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, जैसे कि इसमें आपको 11.2 mm का लार्ज बास बूस्टर ड्राइवर मिल जाता है, 17 आवर प्लेबैक का आपको बैटरी मिल जाता है, मैग्नेटिक इंस्टेंट कनेक्शन मिल जाता है, उसके बाद 88 mm लो लेटेंसी मिल जाता है, जैसे कि आप गेमिंग वगैरह खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको ये हेडफोन देगा। उसके बाद इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि 10 मिनट चार्ज में ये 120 मिनट का आपको प्लेबैक दे देगा आराम से आता है। उसके बाद IPX4 वाटर रेजिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि जैसे आप इसको पहने हैं और स्वेटिंग वगैरह हो जाता है तो इसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है। वहीं आप देखें इस साइड की बात तो इसमें आपको इसका सारा डिटेल्स मिल जाता है, जैसे कि मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट है फरवरी 2021 का है और MRP इस पे मेंशन है 2499 रुपीज़। और इसमें आपको एक ईयरफोन वन क्वांटिटी में मिल जाता है, चार्जिंग केबल और एक यूज़र गाइडेंस, ये सारा कुछ आपको इसमें मिल जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं Realme लिंक से आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं इसको सिंपली करता हूँ ओपन। तो हमको इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर से इसको करना पड़ेगा कट, तो चलिए कट कर देते हैं यहाँ पर से। तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है, अब इसको ओपन करते हैं हम। तो ये ओपन कैसे होता है सबसे पहले तो वो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा पैकिंग में आपको देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त पैकिंग होके आया हुआ है ये। तो मैं इसको सिंपली करता हूँ ओपन। तो दोस्तों, ये फाइनली ओपन हो गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चिपका हुआ था आप देख सकते हैं। अब मैं इसको सिंपली बाहर निकालता हूँ। तो बॉक्स हो गया खाली, जैसे कि आप देख सकते हैं, बॉक्स को रख देते हैं हम साइड में। तो ये जो Realme का Buds Wireless 2 Neo है, ये आपको ब्लैक एंड येलो कलर में मिल जाता है। इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है ब्लू कलर का, लेकिन मैंने जो कलर मंगाया वो मंगाया है ब्लैक एंड येलो में। तो चलिए इसको हम सिंपली निकाल देते हैं बाहर। तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया और बैक साइड में आपको और क्या क्या मिल जाता है ये भी देख लेते हैं थोड़ा। तो आपको इसमें ये सारा कुछ चीज़ मिल जाता है। तो आपको इसमें चार्जिंग केबल मिल जाता है, टाइप सी वाला आपको चार्जिंग केबल मिल जाता है, आप देख सकते हैं येलो कलर का है, काफ़ी अच्छा दिखता है। और इसके साथ आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाता है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको स्मॉल लार्ज का आपको ऑप्शन मिल जाता है, दो ईयर टिप स्मॉल मिल जाता है, दो आपको बड़े साइज में मिल जाता है। और इसमें आपको Realme Buds Wireless 2 Neo का आपको यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको आपको कैसे यूज़ करना है आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। और इसको आप Realme लिंक ऐप से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में वो भी बता दूंगा कि इसको आपको कैसे लिंक करना है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा नेक बैंड जो कि है Realme Buds Wireless 2 Neo। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की सबसे पहले हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी नो डाउट काफ़ी शानदार आपको मिलने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी इसमें मिल जाता है, यानी कि आप इसको कैसे भी यूज़ करो आपको ज़रा सा भी कुछ आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे टूट गया इस टाइप का आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं होगा।
इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार लगा मेरे को, और इसका जो वायर का लेंथ है वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको मैग्नेटिक, देखिए आप, इंस्टेंट मैग्नेटिक मिल जाता है, और इसका जो मैग्नेटिक है काफ़ी पावरफुल लगा मेरे को। और इसका जो कान में लगाने वाला जो ईयर टिप है वो भी आपको तीन साइज में अवेलेबल मिल जाता है इस बर्ड्स वायरलेस 2 नियो के साथ। एक मिल जाता है आपको स्मॉल, एक मीडियम और एक लार्ज का आपको सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप का आपको बटन मिल जाता है, और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन का मिल जाता है, और बीच में आपको इसको पॉज करने का आपको दिया गया है। जैसे ही दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अगर ये एक साथ हम इसको मैग्नेटिक को इस पर लगा देते हैं तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा देर बाद इसका जो लाइट है वो बंद हो जाएगा। ये देखिए बंद हो गया, जैसे ही हम इसको यहाँ से हटाते हैं फिर से ये चालू हो जाएगा। देखिए ये देखिए, तो जैसे अगर आप इसको मैग्नेटिक इसमें लगाए रहते हैं तो ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, और जैसे आप इसको यहाँ से निकालते हैं तो ये चालू हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉड भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉड दिया गया है। जब भी आपको इसको चार्ज करना है आपको इसको टाइप सी कनेक्टर को लगा देना है और इसको चार्जर में आपको लगा देना है। इसको 10 मिनट चार्ज कर देंगे तो इसमें आपको 120 मिनट का प्लेबैक मिल जाता है, तो इसका बैटरी भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोबाइल को ऑन करते हैं, और मोबाइल को ऑन करने के बाद इसको हम ऐसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट ब्लिंकिंग चालू हो गया। तो चलिए मैं यहाँ ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। तो देखिए मैंने ब्लूटूथ को ऑन कर दिया, और यहाँ पे आपको न्यू पेयर डिवाइस का मैं देखता हूँ। पेयर न्यू डिवाइस में मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं Realme Buds Wireless 2 Neo मेरे को दिखाई दे रहा है, और इसमें जो लाइट है देखिए ये ब्लिंकिंग हो रहा है। तो चलिए मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इस पर कनेक्ट हो चुका है, और आपको इसमें लिखा हुआ मिल रहा है इन यूज़ फॉर कॉल मीडिया बैटरी 60% आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो Realme Buds Wireless 2 Neo है ये इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है आपको, जैसे कि दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ तो देखिए बंद हो जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये बंद हो गया, और जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ ये देखिए ये कनेक्ट हो गया। और उसके बाद जैसे मैं इसको फिर से इसको इसमें दोनों मैग्नेट को चिपका देता हूँ ये बंद हो जाता है, यानी कि जो कनेक्शन है वो तुरंत डिसकनेक्ट हो जाता है, और जैसे हम इसको दोनों को अलग करेंगे तुरंत कनेक्शन कनेक्ट भी हो जाता है। ये देखिए कनेक्ट हो गया, और मैं इसको फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ डिसकनेक्ट हो गया। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इससे आपका बैटरी भी बचेगा, अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तो ये डायरेक्ट डिसकनेक्ट हो जाएगा जैसे ये चिपकेगा एक दूसरे के ईयर पीस के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो अब मैं आपको इसका वॉइस को टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं ये जो ईयर पीस है यहाँ पे रख दूँगा माइक, जिससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा इसका साउंड के रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम करते हैं ब्लूटूथ को ऑन। ब्लूटूथ तो ऑन है, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो जैसे ये साइड में हम इसको हटाते हैं तो ये कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ से। ये देखिए ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। अब मैं इसमें कोई साउंड प्ले करता हूँ, तो चलिए हम NCS का एक साउंड प्ले करते हैं। दोस्तों इसमें साउंड आना चालू हो गया, और मैंने इसका वॉल्यूम को फुल में कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो माइक है इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है, और ये आपको 1399 रुपीज़ में मिल जाएगा, यानी कि एक रुपया कम 1400 में आपको ये मिल जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा में भी मिले, कम में भी मिले, ये ऑफ़र के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, इससे मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और आने वाले वीडियो में मैं आपको इसको कैसे लिंक करना है Realme लिंक ऐप से वो भी आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।